शाला के अध्यक्ष जी, हमारे मुख्य अतिथि चौधरी युद्धवीर सिंह जी, धर्मेंद्र मलिक जी, मलिक साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक सुभाषनाथ जी और सत्यवीर सिंह सोनू भाई, और जाट बिरादरी के सभी नौजवानों, बुजुर्गों को राम राम। मैं तो आज यहाँ केवल कुछ सीखने के लिए आया हूँ, पढ़ने के लिए इस पाठशाला में आज यहाँ आया हूँ, क्योंकि हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत चौधरी युद्धवीर सिंह जी यहाँ आए, और भाई धर्मेंद्र मलिक जी, जिन्होंने हम उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो यहाँ मौजूद है। तो हम तो उन लोगों को सुनने के लिए आए। चौधरी युद्धवीर सिंह एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन चौधरी युद्धवीर सिंह जी ने जिन्होंने सदैव अपना पूरा जीवन समर्पित किसान और जाट बिरादरी के लिए किया, उनको सुनने के लिए और समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए हम यहाँ आए। और मैं तो केवल दो लाइन कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि कक्षा एक में जब एडमिशन आप लोगों ने लिया, तो पहले दिन से कविता गाते चले आए, प्रार्थना करते जीवन में चले आए, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में निज जीवन सफल बना जाए, और जिस देश जाति धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। तो बस मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि बिरादरी का ये कार्यक्रम, लेकिन बलिदान होने का मतलब ये नहीं है कि कभी संयंत्रकारियों के चक्कर मार कर और बलिदान में झंडा ढाकर बलिदान वैसे ही होते मिलो भाई, सारा समझ लो, जो भी समझ लो। आज का नौजवान कभी नुई जो बिना वजह के बहुत सारे षड्यंत्र खड़यंत्र रचे जा, चुनाव नीति कार्य जाट भागो बहुत, उन भावनाओं को बहकर चक्कर मार कर बलिदान होने से काम नहीं चलता। बलिदान बिरादरी के अंदर जो कुसंगतियां आ रही है, जो बिरादरी के अंदर गलत फैलियां आ रही है, उनको दूर करने का और बिरादरी के लिए झुकना आपको सीखना पड़ेगा। अगर बिरादरी का कहीं भला होता हो तो किसी भी बिरादरी के व्यक्ति के चरणों में झुकने का भी काम करो, लेकिन अहंकार नहीं कतराने चाहिए, तब संगठित होगा, तब संगठन बनेगा। तो मैं तो आदरणीय चौधरी युद्धवीर सिंह जी और धर्मेंद्र मलिक जी को सुनने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।